टू दंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू दॉडी ये डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड मतलब वो खून जिसमे ऑक्सीजन कम मकदार में होती है को फैबरों की तरफ पंप करता है जबकि ऑक्सीजिनेटेड ब्लड मतलब वो खून जिसमें ऑक्सीजन की ज्यादा मकदार होती है उसे पूरे जिसम की तरफ पंप करता है दियर आर फोर चैम्बर्स इन आर हार्ट अपर टू चैम्बर्स एट्रिया सिंगुलर एट्रियम एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड पेंट्रिकल्स ऊपर वाले दो खाने एट्रिया कहलाते हैं जबकि निचले दो खाने वेंट्रिकल्स कहलाते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ आर हार्थ आर द एट्रिया से बड़ा होता है सेम टाइम एंड सो वेंट्रिकल्स दोनों एट्रिया एक ही वक्त में सुखड़ते हैं और इसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स भी द ब्लड पास फ्रॉम द वेंट्रिकल्स खून एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है There is a valve between each atrium and ventricle on the both sides of the heart. दिल में दोनों तरफ हर एट्रीम और वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व मौजूद होता है valves keep the blood flowing in one way. ये वॉल्व खून के बहाव को एक रखते हैं blood from the body enters the right atrium. जिसम से डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड मतलब वो खून जिसमे ऑक्सीजन कम मकदार में मौजूद होती है दाएं एट्रीम में दाखिल होता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ आर हार्ट और फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मकदार में मौजूद होती है बाएँ एट्रियम में दाखिल होता है दाया वेंट्रिकल खून को फेफड़ों की तरफ भेज देता है और बायो वेंट्रिकल खून को जिसम की तरफ भेज देता है इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग